देश भर में मकर संक्रांति की धूम है। संगम नगरी इलाहाबाद, बनारस और हरिद्वार में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। पावन मौका है और इसीलिए तमाम श्रद्धालु भी मोक्ष की कामना के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, हरिद्वार, बनारस और इलाहाबाद। और बात अगर इलाहाबाद की करें तो यहां मकर संक्रांति के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी घाट पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंच रहे हैं, पवित्र संगम में स्नान कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी को लग रही है, बावजूद इसके जैसे कि हमेशा 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जा रही है, तो उसी हिसाब से लोग पहुंच रहे हैं संगम में डुबकी लगाकर, चाहते हैं कि मोक्ष पाया जाए। इलाहाबाद के संगम पर इस साल 14 स्नान घाट बनाए गए हैं, सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग भी है, तमाम इंतजाम है। और जिस तरह से देश में आतंकी घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखते हुए फिलहाल सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम नजर आ रहे हैं।